अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सिक्स्थ एंड लास्ट पार्ट। कहता है 5 ईयर्स हेंस, हेंस का मतलब हो गया बाद में, ठीक है ना। 5 ईयर्स हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। जो जैकोब की एज होगी वो उसके बेटे के 3 गुना होगी। 3 टाइम का मतलब हो गया 3 गुना, ठीक है। कहता है 5 ईयर्स अगो, अगो का मतलब होगा पहले, ठीक है ना। जैकोब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जो अगर कहता है 5 साल पहले की बात करें तो जैकोब की जो एज है वो उसके सन के 7 टाइम्स है। देखिए, एज निकालने के लिए आपने एक चीज़ हमेशा दिमाग में याद रखना, आपने कि अगर आपको एज की कोशिश है, एज के क्वेश्चंस हैं, तो आपको सबसे पहले प्रेजेंट एज के बारे में बताना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरी एज आज से 10 साल बाद कितनी होगी, कोई बता सकता है आप में से? नहीं बता सकता। हाँ, आप तब बता सकते हैं जब आपको मेरी आज की एज के बारे में पता होगा, मतलब प्रेजेंट एज की। प्रेजेंट एज मतलब आज की जो मेरी एज है, ठीक। मैं अगर कहूँ कि आज मैं 40 साल का हूँ, आई एम 40 ईयर्स ओल्ड, ठीक है ना। तो मैं अगर 40 साल का हूँ तो आप कहेंगे, फिर मैं आपसे कहूँ कि आज से मैं 10 साल बाद कितना हो जाऊँगा, आप कहेंगे सर 40 प्लस 10 करेंगे तो 50 साल, ठीक है ना। फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आज से 10 साल पहले कितना था, आप कहेंगे सर 40 माइनस 10 किया तो 30 ईयर्स ओल्ड हो गए। मतलब ये हुआ कि आपको एज में जाने के लिए सबसे पहले प्रेजेंट एज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। वही हमें यहाँ पर, हमें इनकी प्रेजेंट एजेस ही निकालनी है, ठीक है ना। तो लेट करते हैं हम, एक जैकोब है और एक जैकोब का बेटा है। लेट एक्स बी द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, ठीक है ना, एंड वाई बी द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब्स सन, ठीक है ना। देखिए, ये प्रेजेंट एज है जैकोब की और प्रेजेंट एज आगे जैकोब के बेटे की क्या, वाई है, ठीक है ना। 5 साल बाद इनकी एज क्या हो जाएगी दोनों की, ठीक है ना। 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल बी, इनकी एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 5 एंड वाई प्लस 5। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था मैं 40 साल का हूँ, वो 10 साल बाद कितना हो जाऊँगा, आपने कहा सर 40 प्लस 10 करेंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से इनकी प्रेजेंट एज एक्स है, तो अगर 5 साल बाद इनकी एज निकालेंगे तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा, और दूसरे की जैकोब के बेटे की वाई प्लस 5 होगा, ठीक है ना। आप चले जाइए कहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कहता है 5 साल बाद, 5 साल बाद इन दोनों की एज क्या है, यही है, ठीक है ना, वाई प्लस 5। इन दोनों की एज आपस में क्या है, इस तरह से, ठीक। कहता है 5 साल बाद द एज ऑफ जैकोब, देखिए ये एज किसकी है, 5 साल बाद जो एज है जैकोब की वो ये है, और जो 5 साल बाद उसके बेटे की एज है वो क्या है, ये है। वो क्या कह रहा है, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। उसके सन की क्या एज है, ये है, ये है, इसके 3 टाइम। 3 टाइम का मतलब हो गया 3 गुना, तो 3 मल्टीप्लाई वाई प्लस 5, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3 टू वाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 वाई प्लस 5, 3 जाएगा कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। विच इम्प्लाइज एक्स, ये प्लस का 3 वाई इधर आके हो जाएगा, माइनस का 3 वाई इज इक्वल टू 15, ये प्लस का 5 है इधर आके हो जाएगा, माइनस का 5, ठीक है। तो एक्स माइनस 3 वाई इस इक्वल टू 15 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। ये रही हमारे पास कौन सी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब आगे देखें, आप आगे वो कह रहा है 5 ईयर्स अगो, ठीक है ना, 5 ईयर्स अगो। देखें यहाँ पर, 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो देयर एजिस विल बी, 5 साल पहले उनकी एजिस क्या हो जाएंगी, एक्स माइनस 5 एंड वाई माइनस, 5 साल पहले उनकी ये हो जाएंगी, देयर फोर। क्या कह रहा है वो, 5 ईयर्स अगो जैकोब एज, जैकोब की एज क्या है, 5 साल पहले ये है और उसके बेटे की क्या है, ये है। तो एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 5। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो, देखिए आप,
कहता है 5 years ago जैकोब एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, उसके सन के 7 टाइम है, तो मतलब 7 यहाँ पे आएगा, ये उसके सन की एज है, ठीक है ना, तो इसके सन की 7 गुना, तो मतलब 7 मल्टीप्लाई ये करेंगे तो इसकी एज होगी, है ना, क्योंकि ये इसके सामने यही है ना, ठीक है, तो क्या होगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू y करें क्या हो जाएगा 7y, फिर 7 इंटू 5 करें 35 होता है, बीच में माइनस, ठीक है, विच इम्प्लाइज x माइनस 5, देखिए यहाँ 7y है, इधर ले आए इसको कितना हो जाएगा माइनस 7y हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 35, ठीक है, विच इम्प्लाइज x माइनस 7y इज इक्वल टू, ये माइनस 35 है ये माइनस 5 है, ये इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, तो माइनस 35 प्लस 5 करेंगे तो कितना बचेगा माइनस 30 बचेगा, ठीक है, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू ये x माइनस 7y, ये देखिए ये रही हमारे पास कौन सी सेकेंड, आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये रही हमारे पास कौन सी सेकेंड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम करेंगे, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, तो इक्वेशन फर्स्ट देखें हमारे पास क्या है एक्स माइनस 3y, तो एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, ये रही हमारे पास कौन सी थर्ड, ठीक है, तो क्या करें पुट इक्वेशन थर्ड इन, देखिए इसको हमने ये थर्ड निकाला है कहाँ से निकाला है फर्स्ट से निकाला ना, इसका मतलब हम इसको किस में डालेंगे सेकंड में डालेंगे, ठीक है ना, तो सेकंड हमारे पास क्या है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30 है, ठीक है, तो x की जगह हम डालेंगे क्या 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, ठीक है, तो यहाँ आप देखें ये 3y माइनस 7y कितना हो जाएगा माइनस 4y हो जाएगा, ठीक इज इक्वल टू ये माइनस 30 है और ये 10, तो माइनस 30 और माइनस 10 करें कितना होगा माइनस 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 40 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे आप विच इम्प्लाइज, तो देखिए यहाँ से ये क्या ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और 4y मतलब y ऐसे होगा y इज इक्वल टू 40 अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 1 4 4 10 40, इक्वल टू कितना निकला हमारे पास 10, देयर फोर वाई हमारे पास कितना निकला है 10 निकला है, पुट वाई इक्वल टू 10 इन किस में इन थर्ड, थर्ड में डालें इसको, तो थर्ड हमारे पास क्या है ये है यहाँ से x निकल जाएगा x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू वाई, वाई कितना देखिए यहाँ वाई है ना, तो वाई कितना निकला अभी 10 निकला है, कितना है 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 10 थ्री सर 30, ठीक है ना, और इक्वल टू 30 प्लस 10 करेंगे कितना होता है 40 होता है, ठीक है ना, देयर फोर एक्स इक्वल टू कितना निकलेगा हमारे पास 40, ठीक है ना, तो यहाँ से आप देखेंगे हमें प्रेजेंटेशन निकालनी थी, एक्स हमने क्या माना हुआ था जो प्रेजेंट एज है किसकी जैकोब की, देयर फोर आप कहेंगे लास्ट पर देयर फोर प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इज 40 years, ठीक, एंड जैकोब सन इज जैकोब का सन वाई, वाई कितना है 10 years, है ना 10 years, ठीक है, सो आई होप आपको ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना, तो चलिए अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है ना, तो अब हमारे पास है नेक्स्ट